हाई एवरीवन, ये हेयर स्टाइल आप साड़ी सूट एंड जींस किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हो। एंड इस हेयर स्टाइल से आपकी हाइट लंबी दिखती है, जो हाई पोनी टेल होता है उससे हाइट लंबी दिखती है, और एंड हाई जूड़ा से एंड क्यूट लुक आता है, एंड एज भी कम दिखता है। तो इसे आपको चारों तरफ से हेयर को देख रहे हो इस तरह से कॉम करके, एंड एक ऊपर करके आपको हाई पोनी टेल यहाँ पर बना लेना है अच्छी तरह से। एंड रबर बैंड जो लेना है वो थोड़ा सा, ये मोटा सा थोड़ा हैवी सा लेना है आपको, देख लो। एंड इस तरह से आपको हेयर को थोड़ा आगे वाला फ्रंट वाला हेयर जो है इसे थोड़ा सा आपको पुश करके आगे की तरफ निकाले, ज़्यादा मतलब बैठा बैठा फ्लैट नहीं लगना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। मैसी लुक थोड़ा सा दे दो। एंड इसके बाद कोई भी हेयर एसेसरीज यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे डोनट बनाता है वो सब नहीं। यहाँ पे एक पतला रबर लेना है, इस तरह से आपको बीच में लगाना है, बिल्कुल लूज लगाना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, एक ही बार लगाना है। और थोड़ा मतलब अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है या थिन है तब तो इसी टाइप का चल जाएगा, तो ऐसे लगा लेना है। उसे ऊपर ऊपर पुश करके थोड़ा सा राउंड सा बना लेना है, थोड़ा वॉल्यूम दे देना है उसे। एंड इसके बाद जो हेयर बचे हुए हैं उसे राउंड राउंड लूज ही करना है आपको, राउंड, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, राउंड राउंड करके एंड दोनों साइड इस तरह से सिक्योर कर लेना है आप। एंड इसके बाद यू पिन ले लेना है आपको, एंड उसे सिक्योर कर लेना है। दो तीन यू पिन आप लगा लो ताकि बीच में ओपन ना हो जाए। एंड यू पिन भी लगाना है तो अच्छी तरह से आप लगाना ताकि ओपन, वैसे ये होता नहीं है, बहुत बहुत देर में रखती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट इस तरह का हेयर स्टाइल जो होता है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ओपन हेयर में ना मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। देखो इसे दोनों तरफ से ऐसे राउंड करके लगा लिया, इसके बाद थोड़ा सा उसे वॉल्यूम दे देना है, सेट कर लेना है। एंड आगे थोड़ा सा फ्रंट पे हेयर इसे निकाल लेना है, देखो कितना क्यूट लुक आ। सो गाइज, ये रहा फाइनल लुक, आई होप आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय।